हेलो नमस्कार सलाम सत श्री अकाल वड़कम और जितनी भी कुछ लैंग्वेजेस हैं इस कंट्री में सब में आपको नमस्ते और हेलो स्वागत है आपका फिर से इस शो में जिसका नाम है भारत एक मौज। मैं हूं संजय राजोरा। माफी चाहता हूं तीसरा एपिसोड लाने में थोड़ी सी देरी होगी, थोड़ी मसरूफियत हो गई थी मेरे को, लेकिन हेयर आई एम। पहली मौज थोड़ी महंगी है, 13,000 करोड़ की है, तो जरा ध्यान से सुने। वो मौज करी है नीरव मोदी ने, वो घोटाला घपला करके भाग गए। ऑफकोर्स कांग्रेस की गलती है, पर वो भाग गए हैं। जैसे कहते हैं कि घोटाले पे घोटाला है, लेकिन नेहरू का मुंह ही काला है। एक बार फिर नेहरू का मुंह काला हो गया, नीरव मोदी 13,000 करोड़ लेके गायब। और अब उनसे कह रहे हैं वापस आ जाओ, पोलाइटली हमारी सरकार उनसे पोलाइटली कह रही है कि प्लीज़ वापस आ जाओ अपने किए का सज़ा पाने के लिए। वो कह रहे हैं मैं नहीं आऊँगा, हम नहीं खेलेंगे। बचपन में वो मोहल्ले में लड़के होते हैं जिनके पास अपना ही बैट होता है, अपनी बारी लेके भाग जाते हैं। फिर उनकी मिन्नतें करते रहते हैं लोग, भाई हमारी बारी तो दे दे, हमारी बारी तो दे दे, लेकिन वो मना करते हैं, मैं नहीं आ रहा, पापा मना कर रहे हैं। उसी तरीके से नीरव मोदी जी भाग गए। लेकिन प्रॉब्लमेटिक बात इसमें ये नहीं है, प्रॉब्लमेटिक बात मुझे जो लगी वही है कि उनका सरनेम। अब वो है ना मोदी जी के बारे में ये कि मोदी जी तो महान है लेकिन बाकी मोदियों से परेशान है। अब ये नीरव मोदी, ललित मोदी और पता नहीं कौन कौन इनके नाम को ख़राब कर रहे हैं। तो अगर मोदी जी ये डिसीजन लेते हैं, मैंने कहीं पे पढ़ा था अखबार में, पता नहीं झूठी खबर है या सच्ची खबर है, कि मोदी जी वो बड़े वाले सीनियर मोदी जी नरेंद्र मोदी जी अपना सरनेम ड्रॉप करने की बात कर रहे हैं। आइडिया तो अच्छा है क्योंकि बाकी लोग उनका नाम बदनाम कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मोदी सरनेम उन्होंने ड्रॉप कर दिया तो जो वॉर क्राई इतने सालों से बनाए मोदी मोदी मोदी, उसका क्या होगा? NRI तो बेचारे गूंगे हो जाएंगे, उनके पास तो कोई वर्ड ही नहीं बचेगा बोलने के लिए। क्योंकि देखो नारू नारू बोलेंगे तो उतना मज़ा आएगा नहीं, उसमें इतना दम है नहीं मोदी मोदी में जो दम शेक्सपियर मियाँ तो कह गए हैं व्हाट्स इन अ नेम, बट एक्चुअली देयर इज अ लॉट इन मोदीज नेम। ठीक है, तो वो नाम रखना बहुत जरूरी है। और आजकल पता है नाम से ही चीज़ें हिट होती हैं। अब एक देखो, पद्मावती में से नाम बदल के पद्मावत कर दिया, एक आई हटाने से वीर राजपूतों का गुस्सा ठंडा हो गया, इतना फर्क पड़ता है नाम से। कुछ साल पहले एक बहुत ही ब्रिलियंट स्क्रिप्ट की, बहुत ही बेहतरीन स्क्रिप्ट की एक किताब आई थी, इसका नाम था बाल नरेंद्र, लेकिन वो हिट क्यों नहीं हुई? वो इसलिए फ्लॉप हो गई क्योंकि उसमें मोदी नाम नहीं था। या फिर कोई ऐसा वॉर क्राई जैसा नाम रखो, जैसे एग्जाम वॉरियर अभी आई है, वो हिट हो गई है। तो मोदी जी के लिए ये डिलेमा है कि उनको नाम ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीरव मोदी तो बाजी देने आ गए। इस बीच एक और दुखद हादसा हो गया अभी कुछ दिन पहले कि श्रीदेवी जी की मृत्यु हो गई दुबई में, और इंडिया का मीडिया जिसको मैं एनिमल प्लैनेट कहना पसंद करूंगा, वो लकड़ बग्घे की तरह उनकी मौत के ऊपर टूट पड़ा। इतनी भी डिसेंसी उनके अंदर नहीं है, खैर उनसे डिसेंसी एक्सपेक्ट करना तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जर्नलिज्म की हत्या तो ये बहुत पहले ही कर चुके थे। अब जो थोड़ा बहुत ज़मीर इनके ऊपर बचा था इस एपिसोड में, उन्होंने वो भी बुध बाजार में बेच के खा लिया। इस तरीके से टूट के पड़े थे, इस तरीके से कवरेज करी थी उन्होंने श्रीदेवी की मृत्यु की, कि एक रिपोर्टर साहब तो जाके बाथटब में लेट ही गए, और वो लेटे रहे, पता नहीं क्या लेट लेट के बोल रहे थे। मुझे लग रहा है ना भी ले यार, अगर तू लेटा हुआ है तो बाथरूम का इस्तेमाल कर ले, इतना बड़ा एफर्ट मार रहा है, मतलब कमाल ही कर दिया है। मुझे तो शुक्र है कि श्रीदेवी की मृत्यु कमोड पे नहीं हुई, नहीं तो ये उसमें भी घुस जाते, और मेरा बस ले तो मैं फ्लश कर दूँ उसके ऊपर। तो इस तरीके से इन्होंने कोशिश करी कि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाएँ, कि सारा डिस्कशन इस बात में होने लग गया कि उन्होंने शराब पी रखी थी और शराब ज़्यादा पी ली थी। सुब्रमण्यम स्वामी को भी काम मिल गया, उन्होंने उसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ढूंढ ली, एक तो उनके घर में मौत हो गया, अब हस्बैंड के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो बोनी कपूर के ऊपर कि शराब पी रखी थी शराब। लेकिन श्रीदेवी ने कम से कम दुबई में जाके शराब पी, अपने देश के बाहर जाके शराब पी, क्योंकि संस्कृति तो देश के अंदर है ना। लेकिन बीजेपी के सदस्य ने तो ड्राई स्टेट बिहार में शराब पी के 9 बच्चे दे मारे और फिर भाग भी गया। तो ये न्यूज़ चैनल वहाँ क्यों नहीं जाते हैं, उन चीज़ों को क्यों नहीं कवर करते हैं, उनको क्यों नहीं रिक्रिएट करते हैं? जस्टिस लोहिया के सीन को रिक्रिएट कर लें, या गोरखपुर में जो इतने सारे बच्चे मरे थे उसको रिक्रिएट कर लें, इतने सारे क्राइम्स होने, अभी वो केरला में बेचारे एक आदिवासी की हत्या कर दी, उस क्राइम सीन को रिक्रिएट करें, वहाँ तो जो कल्प्रिट्स हैं वो सेल्फी बना रहे हैं, आपको स्पेकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने मज़े लेने खामखा। इतनी मेहनत के बावजूद भी, इतनी ईमानदारी से जर्नलिज्म करने के बावजूद भी, इन लोगों को ये पता नहीं चला कि श्रीदेवी की मौत हुई कैसे। ठीक है, पहली बात तो ये कि सारा का सारा मीडिया, सारे के सारे न्यूज़ चैनल उनको बॉलीवुड एक्ट्रेस बता रहे थे, बॉलीवुड सुपरस्टार बता रहे थे। भाई बॉलीवुड एक इंडस्ट्री है, श्रीदेवी की 250 फिल्मों में से 80 फिल्में बॉलीवुड की थी सिर्फ, बाकी उन्होंने कन्नड़ा तेलुगु मलयालम इन सब फिल्मों में काम किया है, उसका जिक्र भी करो ना यार। बॉलीवुड इज़ नॉट इंडिया, इंडिया इज़ नॉट बॉलीवुड, और बॉलीवुड में जो इंडिया दिखाते हैं वो पता नहीं कहाँ पे है। और इतनी रिसर्च के बावजूद भी इनको ये पता नहीं चला कि श्रीदेवी की मृत्यु हुई कैसे।
इस पूरी गड़बड़ झाले के बीच में ये जो दो मौजें जो हुई बीच में, एक और मौज हुई थी जो जिसमें हिंदुस्तानी का हाथ कम और विदेशी का हाथ ज़्यादा था। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए हुए थे, किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। वो बेचारा कपड़े बदल बदल के मान्यवर के सूट पहन के कभी अक्षरधाम पे फोटो खिंचा रहे, कभी ताजमहल पे फोटो खिंचा रहे, लेकिन किसी ने घास ही नहीं डाली, किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया सिवाय संजय लीला बंसाली के। बंसाली उसको ढूंढता फिर रहा अपनी अगली फिल्म में कास्ट करने के लिए। लेकिन ट्रूडो के साथ एक और मसला हो गया यहाँ पे कि वो खालिस्तानियों को वहाँ पे सपोर्ट करता है। मतलब हम लोग उन्हें एक अलग किस्म का ड्रामा क्रिएट किया हुआ है, हमने जस्टिस को आउटसोर्स कर दिया है। हम साफ साफ बोल रहे हैं कि 84 में जो कुछ हमारे मुल्क में हुआ उसमें जस्टिस देने लायक हम नहीं हैं, ना हम देंगे। बदतमीजी से कह रहे हैं हम देंगे ही नहीं, लेकिन आउटसोर्स कर रहे हैं दूसरे को। ट्रूडो को बोल रहे हैं कि तू वहाँ पे हमारे लिए जस्टिस कर, हम वो जिन्होंने 84 में जस्टिस नहीं किया। और इस सारे में इंडियन मीडिया का जो पूरा नैरेटिव था वो ये था, क्योंकि ट्रूडो बाबू खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरा नहीं लगता ख्याल कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके कैबिनेट में हैं, तो वो कम्युनल हैं और वो इंडिया के जो डाइवर्सिटी और यूनिफिकेशन है उस पर एक जो है क्या कहते हैं वार कर रहे हैं, एक किस्म से अटैक कर रहे हैं, और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब उनसे नहीं मिले। बट मेरा ख्याल ये है कि खुद हमारे यहाँ इतना कम्युनलिज्म है, हमारे यहाँ इतना ज़्यादा माइनॉरिटी परसिक्यूशन है कि शायद शर्म के मारे ही नहीं मिले उनसे। और इस पूरे ट्रूडो एपिसोड में सबसे ज़्यादा मौज इस बात में आई कि जो सपोजिडली दुनिया का सबसे ज़्यादा लिबरल लीडर है, इंक्लूसिव लीडर है, जिसने अपनी कैबिनेट में सेक्स रेशियो भी ठीक रखा है और माइनॉरिटीज़ को भी शामिल किया है, पूरी दुनिया में उसका स्वागत होता है, पूरी दुनिया के लोग हाई ट्रूडो करते रहते हैं। मुझे नहीं पता उसके लिए वो क्वालिफाइड है या नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट। दुनिया का सबसे ज़्यादा लिबरल लीडर इंडिया में आके इग्नोर हो रहा है, इट सेज समथिंग अबाउट आवर नेशन कि हम क्या हैं, कहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इससे बड़ी मौज और किसी मुल्क में नहीं मिल सकती है। तो ये थी इस बार की 3 मौजें। देखते रहिए भारत एक मौज विद मी संजय राजोरा। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात करते हैं ऐसी कुछ मौजों के साथ। क्या लाइन थी सर, मैं भूल गया सर, मेरे को देखना कौन से कैमरे में, मैं कभी इधर देख रहा हूँ कभी उधर देख रहा हूँ।